अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नया प्रस्ताव खारिज कर दिया है दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर बड़ी खबर यह है कि किसानों को केंद्र ने जो प्रस्ताव दिया था वो नामंजूर कर दिया है। किसान नेताओं ने एमएसपी पर केंद्र का दिया फॉर्मूला मंजूर नहीं है। 21 तारीख को यानी कल 11 बजे दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से कहा कि वो दिल्ली मार्च करेंगे। नए प्रस्ताव की पड़ताल करने पर कुछ नजर नहीं आया। इस वक्त सीधे आपको शंभु बॉर्डर लिए चलेंगे। उससे पहले किसान नेता पंधेर क्या कह रहे थे जरा वो सुनवाते हैं। असि रद्द कर दिता है वा और केंद्र नू जड़े बहुत सारे साढ़े खेती दे इकनॉमिक्स दे माहर ने उन्हां दे डेटे दसे हो गया भी जड़ी कॉन्टैक्ट फार्मिंग वो वास्ते साढ़े को प्रपोजल आई सी भी जड़ा किसान कणक ते झोना छड्डूगा उहनू जड़ियां पंज फसलां केंद्र ने दसियां उहदे नाल केंद्र कॉन्टैक्ट करूगा ते पंजां सालां वास्ते उहनू खरीदूगा। इहदे विच दोष इह आ भी जड़े पहलो तो यह पांच फसलां बीज रहे ने वो अपने आप उहदे विचों बाहर हो जाणगे। एक तां इह दोष आ, दूजा जड़ी सालां दी विच गिनती आ वह भी ठीक नहीं हैगी, वह ठीक नहीं हैगी। साडी मंग हैगी आ भी दो तीन किस्म के मॉडल ने। एक पंजाब का मॉडल आ जड़ा खेती वास्ते सब तो वधिया मॉडल आ भी इत्थे मंडी बोर्ड आ, मार्केट कमेटियां ने, ठीक है, और मंडी का एक मुढ़ला ढांचा हैगा और गवर्नमेंट की FCI सेंटर की ते पंजाब दियां एजेंसियां वेयर हाउस पनसाफ वगैरह वगैरह वो रल के जड़ा वा प्रोसैस कर दियां ने फसल की खरीद दियां, प्रोसैस नहीं प्रोक्योरमेंट कर दियां ने, ठीक है जी। वो एक तो वो आ भी उस ढांचे नाल सारियां फसलों की खरीद यकीनी बनाई जाए। दूजा हैगा जिहड़ी सब तो वड्डी साडी मंग स्टैंड करदी आ जिहदे ते पूरे दुनिया ते देश दे किसानां दा भरोसा वा, क्योंकि सरकार जो भी करदी आ उहदे वास्ते कानून लैके आउंदी आ, ठीक है। कारपोरेट जदों भी साडे ते लुट दा कुहाड़ा चलाउंदे ने ते उह देश दी पार्लीमेंट विच आप दे हिसाब नाल कानून लैके आउंदे ने ते उहनां कानूनां दे आधार ते ही साडी सरकार साडी लुट यकीनी बनाउंदी हैगी आ। एक पहला दुनिया दा कानून आ जिहड़ा इह सारी लुट नूं पिछले 75 सालां विच जिहड़ा खेती सैक्टर नाल धक्का होया, जिहड़ा किसानां दी लुट कीती गई आ, उस लुट नूं रोकूगा। उहनूं कहिंदे आ MSP खरीद दी गरंटी दा कानून। जिहड़ा कारपोरेट लॉबी आ ओ कदी भी इस कानून नूं आउण नहीं दऊगी। इह कानून दे आया सदा वास्ते साडी खेती मंडी तोड़न दा खत्म करन दी उहदे ते लटक रही तलवार खत्म हो जाएगी। फार्मूले के तहत हमारी कीमत तय होगी और जिस प्रकार से पंडित साहब ने बताया कि यदि केंद्र सरकार की नीयत अपने 80 करोड़ किसान और मजदूर के हित की है तो तुरंत प्रभाव से जिस प्रकार से वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया इसी प्रकार से एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और ये किसान और मजदूर की मांग को पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि केंद्र सरकार ये समझे कि इतना मजदूर की और किसान की हमें टाइम लग रहा है तो ये सारा जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी कि ये आसानी से इस दायरे के अंदर किया जा सकता है। तो हम तो शंभु बॉर्डर से आप किसान नेताओं को सीधे सुन पा रहे थे। साफ तौर पर कहा कि सरकार का जो प्रस्ताव होने मंजूर नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन की सुखबुगाहट अब हरियाणा में भी तेज हो गई है। जींद के उचाना में आज महापंचायत बुलाई गई है। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला इस महापंचायत में लिया जा सकता है। उचाना कलां के तहसील परिसर में ये महापंचायत होगी। खापे और किसान संगठन इसमें शामिल होंगे।
तो जिस तरीके से पंजाब के किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, कल 11 बजे का वक्त तय किया है, उसी तरीके से अब आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हरियाणा में भी उचाना में महापंचायत आज होगी, किसान आंदोलन को लेकर यहां बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट की तरफ से भी कहा जा चुका है कि वो पंजाब के किसानों के साथ हैं। सरकार का प्रस्ताव कल ही उनकी तरफ से नामंजूर कर दिया गया था, कहा था कि इसमें कुछ भी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। आज उचाना कला में तहसील परिसर में महापंचायत रखी गई है, खाप और किसान संगठन इसमें शामिल होंगे, बड़ा फैसला यहां से लिया जा सकता है। जिनसे मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ, विजेंद्र, किसान आंदोलन की आहट अब हरियाणा में भी सुनाई देने लगी है, महापंचायत बुलाई है उचाना में, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सुदेश, 2020 किसान आंदोलन हुआ था, तब उचाना एक जो है केंद्र रहा था आंदोलन का, किसान आंदोलन का, और अब की बार फिर उचाना ने एक बार फिर से ये फैसला लिया है। और इसीलिए उचाना के जो किसान हैं और जितने भी बांगर एरिया की खापे हैं, 24 खापे हैं, आज वो सभी इकट्ठा होंगे उचाना के तहसील परिसर में और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और किसानों ने और खापों ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि वो इस किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है अलग अलग संगठनों से ये लड़ाई लड़ रहे थे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी खापे और सभी किसान संगठन एक मंच पर आज इकट्ठा होंगे। और जिस प्रकार से जो बैरिकेडिंग्स की गई है दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर, ये उचाना जो है इसी हाईवे पर ऊपर आता है, और दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर और उचाना के पास और नरवाणा के पास कई जगह बैरिकेडिंग्स की गई है, इनको लेकर भी फैसला लिया जाएगा कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग हटानी है और ये जो दिल्ली कूच का जो फैसला है किसानों का, उसमें उसको लेकर किस प्रकार का सहयोग करना है, किस प्रकार के फैसले लेने हैं, और गांव का क्या सहयोग होगा, खापों का क्या सहयोग होगा, किसानों का क्या सहयोग होगा, इस तरह की तमाम चर्चाएं और तमाम जो रणनीतियां बनाई जाएंगी, इसी को लेकर आज 1 बजे के आसपास ये खाप पंचायत यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी विजेंद्र, इस बड़ी खबर पर नजर रखिएगा और अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो उचाना में महापंचायत करीब 1 बजे बुलाई गई है, किसान संगठन खापे इसमें शामिल होंगी, किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है, किसान आंदोलन को देखते हुए पाबंदी बढ़ा दी गई है, दूसरी दफा है कि इस पाबंदी को बढ़ाया गया है, 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी, ये पाबंदी आगे भी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के किसान फैसला कर चुके हैं कल 11 बजे दिल्ली कूच का, और हरियाणा के किसान खाप संगठनों की तरफ से भी, खापों की तरफ से भी आज महापंचायत के बाद फैसला लिया जाएगा। ऐसे में संभावनाएं यही है, आसार यही है कि पाबंदी को फिर से बढ़ाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डेटशीट जारी कर दी है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट जारी हुई है, 27 फरवरी से दो